आज के वीडियो में हम ई टेंडर महाराष्ट्र की वेबसाइट को फेवरेट बार में ऐड करना सीखेंगे। डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर का शॉर्टकट है, उस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करता हूँ। ई टेंडर महाराष्ट्र सर्च करता हूँ। सबसे पहला जो लिस्ट में ऑप्शन है टेंडर्स या महा टेंडर्स, उसके ऊपर एक सिंगल क्लिक करता हूँ, ये साइट ओपन हो जाती है। इस साइट को मुझे फेवरेट बार में ऐड करना है। इसके लिए मैं ये जो टॉप का बार है उस पर राइट क्लिक करता हूँ। मैं सेकंड बार पे भी राइट क्लिक कर सकता हूँ या थर्ड पे भी क्लिक कर सकता हूँ, तो मुझे सेम ऑप्शन मिलते हैं। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, उसके बाद जो ये मेनू बार का ऑप्शन है इसको टिक करता हूँ, जिसकी वजह से यहाँ मेनू बार आ जाता है। अगर मुझे इसको हाइड करना है तो राइट क्लिक करना है और मेनू बार का ये चेक यहाँ से हटा देना है। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, मेनू बार पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद इस फेवरेट्स पे क्लिक करता हूँ। दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है ऐड टू फेवरेट बार, उस पर क्लिक करता हूँ, जिसकी वजह से ये फेवरेट बार में ऐड हो चुकी है। मैं इसे बंद करता हूँ। इंटरनेट एक्सप्लोरर को राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ। उसके बाद जो फेवरेट बार पे ये साइट ऐड हो चुकी है, उस पर एक सिंगल क्लिक करता हूँ, जिसकी वजह से साइट ओपन हो जाती है। अब मैं इसे राइट क्लिक करके इसे जो मुझे ऑप्शन मिलते हैं उसमें दो ऑप्शन है, एक डिलीट का और एक रीनेम का। इसमें और भी ऑप्शन है लेकिन पहले मैं रीनेम बताता हूँ। रीनेम पे मैं क्लिक करता हूँ और इसका जो भी आपको नाम पसंद हो नाम दे दीजिए, मैं 01 देता हूँ। उसके बाद ओके, इसे मैं बंद करता हूँ। इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे, ये जो मैंने रीनेम किया है 01, ये ई टेंडर महाराष्ट्र की वेबसाइट है। इसे मैं एक सिंगल क्लिक करता हूँ, जिसकी वजह से ये साइट ओपन हो जाती है। अब मुझे अगर इसे डिलीट करना है तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और डिलीट पर क्लिक करता हूँ, जिसकी वजह से साइट डिलीट हो जाती है। मैं इसे बंद करता हूँ। टास्क बार के ऊपर मेरे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऑप्शन पर राइट क्लिक करता हूँ और उसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ। ई टेंडर महाराष्ट्र सर्च करता हूँ और टेंडर्स के ऊपर क्लिक करके साइट को ओपन करता हूँ। अब मुझे ये साइट को फेवरेट बार में ऐड करना है। इसके लिए ये होम के बाजू में या सेटिंग के बाजू में जो स्टार है उस पर एक सिंगल क्लिक करता हूँ। ऐड टू फेवरेट के बाजू में जो ड्रॉप डाउन है उस पर क्लिक करता हूँ। ऐड टू फेवरेट बार पे क्लिक करता हूँ, जिसकी वजह से ये साइट यहाँ पे ऐड हो जाती है। मैं इसे बंद करता हूँ। इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करता हूँ, उस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ। इस साइट पे सिंगल क्लिक करता हूँ, जिसकी वजह से ये साइट ओपन हो जाती है। अब मुझे इसका रीनेम करना है तो इस पर राइट क्लिक करता हूँ, रीनेम पे क्लिक करता हूँ और आपको जो भी पसंद है वो नाम टाइप करके इसे ओके कर दीजिए। मैं इसे बंद करता हूँ। इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर को हमेशा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही ओपन करना है। उसके बाद मेरे पास ये जो वेबसाइट फेवरेट बार में ऐड है उस पर मैं एक सिंगल क्लिक करता हूँ, जिसकी वजह से ये वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो जाती है। अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो मैं ये स्टार पे क्लिक करता हूँ, ऐड टू फेवरेट के बाजू में जो ड्रॉप डाउन है उस पर क्लिक करता हूँ, ऑर्गेनाइज फेवरेट पे क्लिक करता हूँ, फेवरेट बार पे इस पर सिलेक्ट करके डिलीट बटन पे एक सिंगल क्लिक करता हूँ, क्लोज। आपके सामने अभी भी ये दिखाई दे रही है लेकिन जैसे ही आप उसे दोबारा ओपन करेंगे तो वो फेवरेट बार से डिलीट हो चुकी है। मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। इंटरनेट एक्सप्लोरर को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करने के लिए कर्सर को मोर पे लाइए, उसके बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कीजिए। महा टेंडर सर्च करना है। पहला ऑप्शन है टेंडर्स, उसके ऊपर एक क्लिक करना है। इस साइट को मुझे फेवरेट बार में ऐड करना है, जिसके लिए इस बार मैं शॉर्टकट की का इस्तेमाल करूँगा।
कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डी प्रेस करना है, फेवरेट्स के बाजू में जो एरो इस पर क्लिक करना है, फेवरेट बार पे क्लिक करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये साइड ओपन हो ऐड हो जाएगी। जैसे ही मैं ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ ये साइड यहाँ पर ऐड हो जाती है। इसका हम रीनेम करेंगे, इसे मैं बंद कर देता हूँ। स्टार्ट पे एक सिंगल क्लिक करता हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक करके मोर पे कर्सर लाने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास ये फेवरेट बार में जो वेबसाइट ऐड है उस पर सिंगल क्लिक करता हूँ, जिसकी वजह से ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। टास्क बार के ऊपर मेरे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इसको राइट क्लिक करता हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक करता हूँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ, साइट पे एक सिंगल क्लिक करता हूँ, ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। इस तरीके से आप किसी भी साइट को फेवरेट बार में ऐड कर सकते हैं और एक सिंगल क्लिक पर उसे ओपन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा।